Hi, today we will continue the lesson A Great Saint. Next paragraph. Once Gandhiji got off at Bombay, now Mumbai, from a third class railway compartment. A large crowd of people had gathered there to greet him. Among them, there were some American ladies and gentlemen also. They looked into Gandhiji's compartment. The seats इन ईट वेयर ऑल वुन विद नो क्वेश्चन और कवर्स ऑन दम सी वंस गांधीजी गोट ऑफ एट बॉम्बे फ्रॉम अ थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट एक बार जब गांधी जी मुंबई में एक थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से उतरे या लार्ज क्राउड ऑफ पीपल हैम तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई थी यमंग दम देर आर सम अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन ऑल्सो उनमें कुछ अमेरिकन लोग भी दी दे लुकड इन टू गांधी जी सब कम्पार्टमेंट द सीट्स इन इट वर ऑल वुडन विथ नो क्वेश्चन और कवर्स ऑन देम उन्होंने गांधी जी को थर्ड क्लास कम्पार्टमेंट में देखा इसमें थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सीट्स अभी लकड़ी की थी, जिन पर क्वेश्चन या कवर नहीं थे। हाउ अनकंफर्टेबल सेट वन ऑफ द लेडीज ये अच्छा नहीं है थर्ड क्लास उतना अच्छा नहीं है उसमें से एक लेडी ने कहा वाई डज ही नोट ट्रावल फर्स्ट क्लास सेट अनदर वो फर्स्ट क्लास में यात्रा क्यों नहीं करता है दूसरा ने कहा दे वॉन्टेड टू आस्क गांधी जी अबाउट इट बट दे कुड नाट गो नियर हिम द रेलवे स्टेशन सो दे वेन टू द प्लेस वेर ही वॉज गोइंग टू स्टे

सो दे वेंट टू द प्लेस वेर ही वॉज गोइंग टू स्टे इसलिए वो लोग उस जगह पर गए जहाँ वो गांधी जी रहने जा जा रहा था दे मेट हिम देर एंड हैड ए टॉक विथ हिम वो वहाँ उससे मिले और उसके साथ बात की देन वन ऑफ द जेंटलमैन सर्ट मिस्टर गांधी यू वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन यू आर ए ग्रेट लीडर ऑफ द इंडियन पीपल बट यू ट्रेवल तॉर वाई फिर एक आदमी ने कहा मिस्टर गांधी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप भारत का लोग का लीडर हैं लेकिन आप ट्रेन में थर्ड क्लास में यात्रा करता है क्यों वाई गांधी जी लाफ्ट एंड सर्ड द आंसर इज़ वेरी सिंपल आई ट्रैवल थर्ड बिकॉज देर इज़ नो फोर्थ ही लाफ्ट अगेन एंड दोस अमेरिकन ऑल्सो लाव विद हिम गांधी जी ने हँसते हुए कहा आंसर बहुत सिंबल है मैं थर्ड क्लास में यात्रा करता हूँ क्योंकि ट्रेन में कोई फोर्थ क्लास नहीं है वो फिर से हँसा और उन अमेरिकन लोग भी उसके साथ हँसा गांधी जी थर्ड क्लास में यात्रा की क्योंकि वहाँ कोई फोर्थ क्लास कंपार्टमेंट नहीं थी देखो वो एक गरीब गरीब आदमी की तरह रहता था सिंपल लाइफ रहता था यदि कोई फोर्थ क्लास कंपार्टमेंट होता तो वो हमेशा उसमें ट्रेवल करता नेक्स्ट पैराग्राफ गांधीजी ऑलवेज प्रीच द यूज़ ऑफ गादी ही हिमसेल्फ ऑलवेज वॉर सिंपल क्लोथिंग दैट ही हट स्पन एंड वोवन हिमसेल्फ वन मॉर्निंग वेन ही वॉज स्पिन स्पिनिंग व्हील ए बॉय एंड हिज हट द बॉय वॉज सरप्राइज टू सी गांधीजी इन ए धोती ओनली ही आस्त महात्मा बापू वाई आर यू नॉट वेरिंग ए शर्ट और कॉट इफ़ यू डोंट हैव एनी आई शाल गेट वन फॉर यू देखो गांधीजी ऑलवेज प्रीच द यूज ऑफ द गादी गांधी जी ने हम हमेशा गादी यूज़ किया गादी मतलब अपने हाथ से बने हुए कपड़े ही हिमसेल्फ ऑलवेज वॉर सिम्पल क्लॉथिंग दैट ही हड्स पन एंड वो ओन हिमसेल्फ वो हमेशा सिंपल कपड़े पहनता था जो उसने गुद को बनाया था वन मॉर्निंग वेन ही वॉज स्पिनिंग एट ही स्पिनिंग व्हील ए बॉय एन डोट हिज हट एक दिन सुबह जब वो अपने चरखे घूम रहा था एक लड़का उसका हट झौपटी में आया घुस गया एंड द बॉय वॉज सरप्राइज टू सी गांधी जी ए धोती ओनली गांधी जी को धोती में देखकर कर का सरप्राइज हो गया ही आस्क द महात्मा बापू वाई आर यू नॉट वेयरिंग ए शर्ट और कोट इफ़ यू डोंट हैव एनी आई शैल गेट वन फॉर यू फिर उन्होंने महात्मा से गांधी जी से पूछा बापू आप शर्ट क्यों नहीं पहनते हैं यदि आपके पास कोई नहीं है तो मैं आपके लिए एक लेके आएगा नेक्स्ट पैराग्राफ Gandhiji laughed and said, My sweet child, one shirt won't do for me. In this country, there are millions who have nothing to put on. How can I wear a shirt or coat when my countrymen have no clothes to wear? Truly, Gandhiji was a great saint. Listen, Gandhiji laughed and said, My sweet child, one shirt won't do for me. Gandhiji smiled, kiya or Kaha, my sweet child, मेरे लिए एक शर्ट नहीं होगी इन दिस कंट्री देर आर मिलियंस हु हैव नथिंग टू पुट ऑन हाउ कैन आई वेयर ए शर्ट और कोट व्हेन माय कंट्री मैन हैव नो क्लॉथ्स टू वेयर इस देश में ज़्यादा लोग ऐसा ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है यदि मेरे देशवासियों के लिए मतलब यदि मेरे देशवासियों के पास कुछ भी नहीं है तो मैं एक शर्ट या कोट कैसे पहन सकता हूँ सही है ना ट्रूली गांधी जी वॉज ए ग्रेट सेंट ओके देखो गांधी जी एक ग्रेट सेंट दे वो एक महान व्यक्ति है लेकिन वो एक सिंबल व्यक्ति की तरह रहते थे ओके दैट्स इट वी फिनिश्ड आवर चैप्टर वी विल लर्न द क्वेश्चन आंसर्स इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग